वो कहती थी कि मैं रूठी हूँ तुझसे, मुझे आके मना। वो कहती थी मुझे आई लव यू बोल क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कहती थी मेरी बार बार तारीफ कर क्योंकि मुझे ये बेहद ज़्यादा पसंद है। वो कहती थी कि कभी मेरा साथ तो नहीं छोड़ेगा, और फिर वो ये भी कहती थी कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये एक ट्रू कनेक्शन बना था जिसका नाम था सेडनास। पहले कहा जाता था कि इस रिश्ते को क्या नाम दिया जाए, मगर अचानक से इस रिश्ते को नाम दिया गया सिड और उसकी नास, यानी कि हमने मिलाकर सेडनास बना दिया। और सेडनास इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया सभी फैंस के द्वारा, इतना ज़्यादा प्यार दिखाया हम सभी ने कि उसको नंबर वन की लिस्ट में हमने शामिल करवा दिया, पूरे वर्ल्ड वाइड हमने ट्रेंड करवा दिया। वो कहती थी कि तू मुझे कबूल कर पूरी दुनिया के सामने, मगर वो कहता था कि शांत रहे, मैं दुनिया को नहीं दिखाना चाहता, मैं सिर्फ तुझे दिखाना चाहता हूँ। और फिर जब ये सीज़न ख़त्म हुआ उसके बाद से उसने वो सब कुछ दिखाया, और शहनाज गिल काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी हुई वो सब देखने के बाद। उसके बाद से शहनाज इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गई कि अब तो ठीक है, अब तू कहीं नहीं जाने वाला, मुझे पता है तू मेरा है और तू मेरा ही रहेगा। ये डायलॉग जो शहनाज गिल ने बोला था, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, शहनाज गिल ने उसको हकीकत करके दिखाया। इसमें सिद्धार्थ ने भरपूर साथ दिया। आज एक बार फिर से आंखें नम हो गई क्योंकि आज फिर से उस लेजेंड शख्स का दिन है। इस दिन में हम सब कुछ अच्छे काम करते हैं और इस दिन को हम कभी नहीं भुला सकते। जब सिद्धार्थ हमारे बीच में थे तब हम इस दिन में काफ़ी अच्छे अच्छे काम वैसे भी किया करते थे, और आज हमने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि इतनी जल्दी हमारी आंखों से ओझल हो जाएंगे सिद्धार्थ शुक्ला। हमने अपने दिलों के तार जोड़े थे सिद्धार्थ एंड शहनाज से। हमने अपना फ्यूचर, हमने अपना सारा काम सब कुछ छोड़ के सिर्फ सिद्धार्थ के ऊपर फोकस किया क्योंकि हमें अच्छा लगता था इनको देखना, हमें इनकी शादी देखनी थी। मगर ऐसा क्या पता था कि हमारी आंखों से वो सारे सिर्फ सपने बन के रह जाएंगे और ये सब चीज़ें ओझल हो जाएंगी। ऐसा हमें कभी नहीं देखने को मिलेगा। कहते हैं कि कुछ चीज़ें अधूरी भी रह जाएं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि देने वाला और लेने वाला सिर्फ ऊपर वाला है। तो आज एक बार फिर से सिद्धार्थ शुक्ला को पूरी दुनिया में याद किया गया, और स्पेशली शहनाज गिल का भी बड़ा रिएक्शन आया। शहनाज गिल ने भी हाल ही में ये पोस्ट शेयर करी है जहाँ पर हमें वो एक अलग ही सैड मोमेंट, एक इमोशनल लम्हा देखने को मिल रहा है। शहनाज गिल प्यारा सा खूबसूरत सा कैप्शन देती हैं अपने क्यूट से अल्फाज, आई विल सी यू अगेन, मैं तुम्हें दोबारा देखूंगी। सोचो वो किस्मत जो दूसरी किस्मत से मिली तो, मगर उसके बाद ओझल हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। तो शहनाज यहाँ एक बार फिर से आज कहती हैं कि मैं तुझे एक बार फिर से मिलना चाहूँगी, आई विल सी यू अगेन, मैं तुझे एक बार फिर से देखना चाहूँगी, अपनी आँखों में बसाना चाहूँगी। आगे शहनाज वाइट हार्ट देती हैं और प्यारा सा एक सिंबली होता है जहाँ पर 12-12 लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि 12 दिसंबर, 12 तारीख, 12वां महीना, यानी कि 12-12। प्यारा सा पोस्ट शहनाज गिल ने आज शेयर किया, अपनी फीलिंग को बयां किया। आज शहनाज ने खुलेआम शोर मचाकर दिखाया कि हाँ, आज उसका बर्थडे है और मुझे इसलिए कोई नहीं रोक सकता। वैसे तो सोशल मीडिया में काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स किए जाते हैं, मगर हमने सारे ही नेगेटिव कमेंट्स को हाइड रखते हुए हमने शहनाज गिल को प्यार दिखाया, और शहनाज ने अपना आगे बढ़ने में ज़्यादा मेहनत करी। और वो पोस्ट एक बार नहीं 10 बार करे, वो 100 बार करे, वो 100 बार उसका नाम ले, क्योंकि सिद्धार्थ सिर्फ उसी का था और उसी का रहेगा। हम सब मिलके एक बार फिर से कहना चाहेंगे हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ, तुम बहुत याद आते हो। काश एक लम्हा ऐसा भी आए जो तुम्हें हमारे पास ले आए और हम तुम्हें सिर्फ देखते ही जाएं, देखते ही जाएं, देखते ही जाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू सिद्धार्थ, दिल से आपको विश और दिल से आपकी सराहना करते हैं, और आप जैसी शख्सियत को दिल से सैल्यूट करते हैं। तो सारे बोलो हैप्पी बर्थडे, खुश रहो, निराश ना हो, क्योंकि हमारा सिद्धार्थ कहीं नहीं गया, हमारा सिद्धार्थ आसपास में गूंज रहा है और हमेशा हमेशा गूंजता रहेगा।